हेलो एवरीवन, सो आप लोगों का फिर से स्वागत है आज के इस नए एपिसोड में। जैसा हम लोग पिछले दो तीन एपिसोड से कंटिन्यू कर रहे हैं ऑन द सब्जेक्ट ऑफ प्रोसेस वैलिडेशन, जिसमें अभी तक हम लोग आपको बता चुके हैं प्रोसेस डिजाइन क्या होता है और प्रोसेस क्वालिफिकेशन क्या होता है। सो ब्रीफ में आपको एक रिकैप करा देते हैं दैट प्रोसेस वैलिडेशन इज ए साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स and evaluation of the process design and process qualification to establish that our process will give similar type of results each and every time it will be executed. हिंदी में एक बात समझते हैं कि प्रोसेस वैलिडेशन एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन एंड इवेल्यूशन, जिससे ये प्रूव होता है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो एक तरह के रिजल्ट्स बार बार प्रेजेंट करेगा, एक तरह के, ना कि एक जैसे एक तरह के। अब उसमें क्या आता है कि हमारे पास इसमें तीन स्टेज होते हैं, प्रोसेस डिजाइन, प्रोसेस क्वालिफिकेशन, देन प्रोसेस वेरिफिकेशन, ये जिसे हम लोग कंटिन्यूस प्रोसेस वेरिफिकेशन कहते हैं। तो प्रोसेस डिजाइन में आता है एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, जो कि हमारे R&D लेवल पर होता है। देन प्रोसेस क्वालिफिकेशन, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंगली क्वालिफाई करते हैं डैट यस दिस प्रोसेस इज क्वालिफाइड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड इट विल गिव सिमिलर टाइप ऑफ रिजल्ट्स। ये तो आगे आपका रिकैप। अब हमारा जो आता है स्टेज थर्ड, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस वेरिफिकेशन। इसका मतलब क्या है डैट इट इज ए टूल through which a company or an organization will evaluate and verify that the manufacturing process that has been designed and that has been qualified is still in the stage of validation, yani ki usme kahin koi variation nahi aa raha hai ya usme koi incident ya deviation nahi ho rahe hain, wo abhi bhi apni specifications ko meet kar raha hai aur maintain kar raha hai. ab usme kya hota hai that continuous process verification is a tool through which an organization establishes that the process that has been designed and qualified is still its within its qualified or validated state. ab isme kya hai ki hamare paas do cheeze hoti hain, pehla to uske components kya hote hain, process verification ke components kya hain. to sorry idhar se aate hain, प्रोसेस वेरिफिकेशन में कंपोनेंट्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले तो प्रोसेस डिफाइन, कि हमें प्रोसेस को प्रॉपरली डिफाइन करना होता है। क्या मतलब, आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हो डैट दिस प्रोसेस हैज बीन क्वालिफाइड एंड वी आर स्टिल मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट थ्रू क्वालिफाइड मेथड। मतलब हमारे पास एक BMR या बैच डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होना चाहिए जिसमें हर प्रोसेस को डिफाइन करना है। देन मॉनिटरिंग, वॉट एवर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेट हैज बीन क्वालिफाइड एंड डॉक्यूमेंटेड इन माई प्रोसेस डेफिनेशन इज अंडर मॉनिटरिंग फॉर डाटा कलेक्शन। अब ये डाटा कौन कौन से हो सकते हैं, क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स से रिलेटेड डाटा हो सकते हैं एंड क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट से रिलेटेड डाटा हो सकते हैं। जब मैं इन्हें मॉनिटर करता हूँ, इसके बाद आता है मेरा एनालिसिस। एनालिसिस में क्या, कि जो भी सैंपल हमने QC को या जो भी डाटा हमने गैदर किया है ड्यूरिंग मॉनिटरिंग, उसको इवेल्युएट करना है, उसको एनालाइज करना है। एंड देन इवेल्युएशन, इवेल्युएशन में जो भी मैंने डाटा एनालिसिस किया है उसको इवेल्युएट करना है कि क्या ये स्टिल विद इन द क्वालिफाइड स्टेट है या नहीं है। ये इवेल्युएशन कैसे हो सकता है, इवेल्युएशन कैन बी डन थ्रू वेरियस टूल्स जो कि हम अभी आपको बताएंगे। अब इस इवेल्युएशन से मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि हाँ मेरे प्रोसेस में कहीं कोई गैप तो नहीं आ रहा है, कहीं कोई इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं है, या कहीं कोई बॉटल नेक तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि प्रोसेस को हमने क्वालिफाई किया, उस जगह तो हमें पता नहीं चला, बट जब हम लोग कंटिन्यूस उस पर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तब हमें पता चलता है कि इस प्रोसेस में तो एक बॉटल नेक है जिसकी वजह से मेरा आउटपुट वेरी कर रहा है या फिर वो मीट नहीं कर पा रहा है, कमर्शियल स्टेट पे मीट नहीं कर पा रहा है। वो कुछ भी हो सकते हैं बॉटलनेक्स। वंस वी हैड आइडेंटिफाइड द गैप्स एंड द बॉटलनेक्स देन वी शैल गो फॉर द इम्प्रूवमेंट्स। आपको हर बात पे ध्यान रखना है कि हर जगह एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है
एंड दिस इम्प्रूवमेंट और व्हेन आई एम सीइंग द इम्प्रूवमेंट्स इट इंडिकेट्स दैट इट हैज़ टू बी डन थ्रू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोसेस एंड द प्रोडक्ट। जैसे हमारे पास QMS टूल्स में क्या आ जाते हैं, चेंज कंट्रोल्स आ जाता है, कप आ जाते हैं, दीज आर द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट टूल्स। तो सिमिलरली वंस वी हैव परफॉर्म्ड वी आर परफॉर्मिंग द कंटिन्यूस प्रोसेस वेरिफिकेशन देन ऑन द बेसिस ऑफ द इवेल्यूएशन ऑफ द डाटा गैदर्ड एंड इट्स एनालिसिस वी विल आइडेंटिफाई दैट इफ देर इज एनी गैप देन वी विल रिमूव इट एंड इम्प्रूव अवर प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि समझ लीजिए कोई कंप्रेशन मशीन है, अब मेरे पास सिमिलर टूल की एक और मशीन है विद हायर कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डी टूलिंग की एक 27 स्टेशन की मशीन है और एक 95 स्टेशन की भी मशीन है। तो मैंने जो प्रोसेस को क्वालिफाई किया वो 27 स्टेशन पे किया, इट मींस कि 27 स्टेशन मशीन ही मेरे लिए क्वालिफाइड है। बट जब मैं इसे लॉन्ग रन में लेता हूँ तीन बैच, क्योंकि क्वालिफिकेशन में मैंने लिमिटेड नंबर ऑफ बैचेज लिए, तीन बैचेज या 10 बैचेज, तो वहाँ पे मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं लगा। बट व्हेन आई विल गो फॉर द कमर्शियल स्टेट, मतलब जहाँ पे मैं 100 बैच या 200 बैच बना रहा हूँ, तो मुझे जो है ये बॉटलनेक आएगा कि इसमें जो है मेरा आउटपुट धीमे आ रहा है, प्रोडक्टिविटी कम आ रही है। देन आई हैड आइडेंटिफाइड दैट आई एम ऑल्सो हैविंग 95 स्टेशन डी टूलिंग मशीन, तो मेरे पास एक इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन रहेगा कि हाँ मैं इसी प्रोडक्ट को क्या 95 स्टेशन पे ले जा सकता हूँ, इट कैन इम्प्रूव माई आउटपुट एंड इट विल इम्प्रूव माई प्रोडक्टिविटी। तो वो मैं थ्रू QMS इवेलुएट करूँगा कि हाँ मेरे पास एक गैप है डेट आई एम यूजिंग 27 स्टेशन मशीन एंड आई कैन गो टू 95 स्टेशन मशीन, तो आई कैन इम्प्रूव फॉर दैट। तो यहाँ तक आपको मैंने आपको समझाया। अब इसमें आते हैं कुछ टूल्स, ये टूल्स क्या हो सकते हैं। टूल्स पहले समझिए टूल्स होते क्या हैं। टूल्स आर दोज स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच वी कैन परफॉर्म सम एक्शंस। जैसे मैंने कहा कि डिस्पेंसिंग करनी है तो मुझे डिस्पेंसिंग टूल्स यानी कि स्कूप चाहिए, तो स्कूप मेरे लिए टूल हो गया। सिमिलरली अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में बोलूं तो अगर मुझे कहीं पर कुछ लिखना है तो मेरे लिए पेन जो है एक टूल है। तो टूल्स आर दोज स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स थ्रू विच आई कैन परफॉर्म एनी एक्शन। सिमिलरली फॉर द कंटिन्यूस प्रोसेस वेरिफिकेशन आई एम हैविंग सेवरल टूल्स विच कैन हेल्प मी टू परफॉर्म दिस वेरिफिकेशन। एंड वॉट दीज टूल्स आर, सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि ऑटोमेटिक फॉर्म में हमें डाटा प्रोवाइड कर, जब मैं उसमें डाटा डालता हूँ तो मुझे बता देते हैं डेट दिस प्रोडक्ट इज स्टिल विद इन द वैलिडेटेड स्टेट और नॉट। वो उसमें लिमिट्स डिसाइड कर लेते हैं, लिमिट्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ट्रेंड वो डिसाइड होता है एंड ऑन दैट बेसिस वो मुझे इवेल्युएट करके बताते हैं। सेकेंड, स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस। अब ये स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, ट्रेंडिंग या फिर बार चार्ट्स या लाइन चार्ट्स, दीज कैन हेल्प मी टू आइडेंटिफाई इफ देयर इज एनी वेरिएशन और एनी आउट ऑफ ट्रेंड इन द इन माय डाटा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 बैच हो गए, 100 बैचेज में जो 80 की लिमिट आ रही, 80 जो आ रहा है वो 98 से 100 के बीच में आ रहा है एंड इवेंचुअली एक और बैच मैं बनाता हूँ 101 नंबर का, अब उसमें जो 80 मेरा आता है 96 आता है, स्पेसिफिकेशन लिमिट मेरी 90 से 110 है, इट मीन्स वो क्वालिफाई हो रहा है, पास हो रहा है, बट क्योंकि वो एक स्पेसिफिक वेरिएशन दिखा रहा है फ्रॉम द प्रीवियस ट्रेंड जिसमें कि 98 से 100 के बीच में डाटा है, एकदम से वो 96 आ रहा है, देन आई हैव टू इवेलुएट कि कहीं इसमें कोई एरर तो नहीं हो गया, कहीं इसमें मैन्युफैक्चरिंग एरर है या एनालिटिकल एरर है, तो उसको मैं इवेलुएट करता हूँ। उससे क्या होता है, जब मुझे उसमें कहीं कोई गैप आइडेंटिफाई होता है कि हाँ इसमें एक लेबोरेटरी एरर हुई है जिसकी वजह से ये 96 आ रहा है, देन आई कैन रीपरफॉर्म द 80 एंड आइडेंटिफाई व्हाट इज द एक्चुअल 80 इज। बट अगर मुझे ये पता चलता है कि इसमें लेबोरेटरी एरर
तो नहीं है बट मैन्युफैक्चरिंग एरर है, देन आई विल आइडेंटिफाई दैट मैन्युफैक्चरिंग एरर एंड इम्प्लीमेंट द कापा अगेंस्ट इट। अब उस कापा को इम्प्लीमेंट करने से क्या होगा कि मेरा जो वेरिएशन आ रहा है इन द प्रोडक्ट क्वालिटी वो मैं हटा सकता हूँ। अदरवाइज क्या होगा कि ठीक है अभी तो ये आउट ऑफ ट्रेंड गया बट एकदम से हो सकता है ये आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन भी चला जाए, तो उसे मुझे हटाना है, उस गैप को मुझे रिमूव करना है और प्रोसेस को इम्प्रूव करना है। इस तो समझ में आई इम्प्रूवमेंट जो हम लोग यहाँ पे बताते हैं वैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट, इट विल हेल्प मी हियर। देन डाटा एनालिटिक्स, डाटा एनालिटिक्स आर द ऑटोमेटिव सॉफ्टवेयर्स थ्रू विच वी परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ द डाटा एंड इट विल गिव मी द कंप्लीट बैकग्राउंड एंड द फोरकास्ट फॉर द प्रोसेस। देन ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का क्या मतलब है कि मैं अपने पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को या फिर पूरे ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस को ऑटोमेशन पे ले लूँ, इट विल जनरेट इट्स ओन डाटा एंड उसको इवेल्युएट करेगा ये प्रीवियस ट्रेंड से, एंड जब वो उसमें कहीं पे भी वेरिएशन आएगा तो वो मुझे अलार्म दे देगा। सो दीज आर द कंपोनेंट्स एंड द टूल्स ऑफ द कंटिन्यूस प्रोसेस वेरिफिकेशन। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि कंटिन्यूस प्रोसेस वेरिफिकेशन मुझे करना क्यों है, वॉट आर द बेनिफिट्स। तो सबसे पहली बात, मुझे ये रेगुलेटरी कंप्लायंस प्रोवाइड कराता है। रेगुलेटरी कंप्लायंस इन द फॉर्म कि जो मेरा प्रोसेस है वो विद इन इट्स स्पेसिफिकेशन ट्रेंड चल रहा है, स्पेसिफाइड ट्रेंड चल रहा है, उसमें कोई आउट ऑफ ट्रेंड नहीं चल रहा है और ये मेरा वैलिडेटेड स्टेट में मेंटेन कर रहा है अपने आप को। सेकेंड, ये मुझे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है। वंस वी आर परफॉर्मिंग द कंटिन्यूस प्रोसेस वेरिफिकेशन तो मुझे उसमें बहुत सारे गैप्स जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं वो मुझे दूर करने का एक ऑप्शन प्रोवाइड कराता है, मतलब मेरे पास एक स्कोप बचता है फॉर द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। इसके अलावा ये मुझे एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि जो मैंने गैप्स को आइडेंटिफाई किया उसमें रिमूव किया, उसकी जगह कापा इम्प्लीमेंट किए, तो ये मुझे प्लस मैंने जो प्रोसेस डिफाइन कर रखा है तो इट मीन्स जो प्रोसेस मेरा डिफाइंड चल रहा है उसी के अकॉर्डिंगली मेरा प्रोसेस चलेगा और मैं उसमें इम्प्रूव करता जा रहा हूँ तो मेरा एफिशिएंसी बढ़ रही है। थर्ड, इसमें एक रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर आ जाता है, इससे मेरा जो है रिस्क मैनेजमेंट इम्प्रूव हो जाता है, मतलब मैं जो गैप्स आइडेंटिफाई कर रहा हूँ उन गैप्स की वजह से हो सकता है मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे धीरे धीरे इम्पैक्ट पड़ रहा हो, उनको मैं रिमूव करता जा रहा हूँ तो मेरा एक रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर आ जाता है कि हाँ मैंने अपने जो प्रोसेस है उसको इवेल्युएट किया और उसमें जो हिडन रिस्क हैं उनको मिटिगेट किया। इसके अलावा कस्टमर सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव होता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन का क्यों, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट जो है अपने वैलिडेटेड स्टेट में अपनी स्पेसिफिकेशंस को मीट करते हुए कंटिन्यूसली मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उससे मेरा जो कस्टमर बेस है वो सेटिस्फाइड होगा कि हाँ दिस कंपनी इज मेंटेनिंग इट्स क्वालिटी एंड जो उसका प्रोडक्ट है वो सिमिलर टाइप ऑफ क्वालिटी प्रोवाइड करा रहा है, उसमें कोई वेरिएशंस नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि वो माल फंक्शन करे, तो इससे मेरा प्रोडक्ट के साथ साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी इम्प्रूव होता है। अब इसमें एक चीज़ आती है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, व्हाट बेस्ट प्रैक्टिसेस कैन बी परफॉर्म फॉर टू एग्जीक्यूट द कंटिन्यूस प्रोसेस वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले तो मुझे अपने प्रोसेस को डिफाइन करके चलना चाहिए। प्रोसेस डिफाइन का मतलब मेरा प्रोसेस कहीं पे डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि मास्टर एंड अप्रूव्ड होना चाहिए, रिव्यूड अप्रूव्ड एंड मास्टर होना चाहिए। इससे क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा कि मेरे प्रोसेस में वेरिएशंस के स्कोप कम होता जाएगा, मेरा प्रोसेस एक ही तरीके से बार बार एग्जीक्यूट होगा। दूसरा, मुझे इसमें जो भी स्टेक होल्डर्स ऑफ दैट प्रोसेस एंड प्रोडक्ट हैं उन सभी को इन्वॉल्व करना चाहिए, सिर्फ एक QA में पर्सन बैठ के या प्रोडक्शन में पर्सन बैठ के कंटिन्यूस वेरिफिकेशन नहीं कर सकता। इसके लिए क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट या क्रॉस फंक्शनल टीम को अपॉइंट करना चाहिए एंड दैट टीम हैज़ टू परफॉर्म द कंटिन्यूस प्रोसेस वेरिफिकेशन। प्रोडक्शन पर्सन विल परफॉर्म इट्स पार्ट, QC पर्सन विल परफॉर्म इट्स पार्ट एंड QA पर्सन विल परफॉर्म इट्स पार्ट। इसमें QA का रोल कहाँ जाता है, QMS रिव्यू, मतलब जितने भी लोग हैं प्लांट में जो कि उस प्रोसेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं, दे ऑल शुड टेक पार्ट इन द कंटिन्यूस प्रोसेस वेरिफिकेशन। इसके अलावा हमें एक ऑब्जेक्टिव भी डिफाइन करके चलना चाहिए,
वाई आई एम गोइंग टू परफॉर्म दिस कंटिन्यूस प्रोसेस वेरिफिकेशन आई हैव टू डिफाइन इन माई ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने बताया प्रोसेस को डिफाइन करना है, ऐसे ही मेरे पास ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव से क्या आएगा कि सबको पता रहेगा कि वाई वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस कंटिन्यूस प्रोसेस वेरिफिकेशन, वेदर वी हैव टू परफॉर्म सम गैप आइडेंटिफिकेशन और वी आर गोइंग टू इम्प्रूव अवर प्रोसेस, देन इट विल हेल्प अस टू अचीव अवर एम एंड गोल। इसके अलावा एक चीज़ आती है डाटा ड्रिवन अप्रोच, मतलब जो भी मैं डाटा यहाँ से एनालिसिस एंड मॉनिटर कर रहा हूँ ड्यूरिंग माई कंटिन्यूस प्रोसेस वेरिफिकेशन, जो भी डाटा मैंने गैदर किया और एनालिसिस किया और उसको मॉनिटर कर रहा हूँ, तो उसका मुझे उस बेसिस पे मुझे रूट कॉज आइडेंटिफाई होता करना है। ये नहीं कोई फिक्शनल रूट कॉज मुझे आइडेंटिफाई नहीं करना है, या कई बार कहते हैं इन्वेस्टिगेशन में बायस्ड इन्वेस्टिगेशन, वो चीज़ परफॉर्म नहीं करनी है। वॉट एवर माई डाटा इज प्रूविंग आई हैव टू फॉलो डैट। इसके अलावा मेरे पास एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए भी अप्रोच होनी चाहिए, हाउ आई एम गोइंग टू परफॉर्म दिस कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। अब इसका मतलब क्या कि मुझे अपने QMS को भी स्ट्रांगली मेंटेन करना चाहिए एंड इम्प्लीमेंट करना चाहिए। QMS के इम्प्लीमेंटेशन से मेरा जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है, वो मेरा वहाँ पे इन प्लेस आता है। अब यहाँ तक तो बात आ गई कि हमारे पास क्या टूल्स हैं, क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये सब तो बता दिया। अब इसके पीछे कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, हर एक्टिविटी के पीछे कुछ चैलेंज होते हैं, उनको हमें अपने सिस्टम से पहले तो रिमूव करना चाहिए। उस चैलेंज में क्या आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैन से रिलेटेड है, मटेरियल से रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है हमारे पास, डाटा कॉम्प्लेक्सिटी। हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया क्वालिफिकेशन स्टेट पे भी डाटा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता है, सिमिलरली यहाँ पर भी मेरे पास प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता है। आज भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर लोगों को पता ही नहीं है कि कंटिन्यूस प्रोसेस वेरिफिकेशन में करना क्या होता है, हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस कंटिन्यूस प्रोसेस वेरिफिकेशन। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज या मोस्ट ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस पर्सन स्टिल थिंक दैट एनुअल प्रोडक्ट रिव्यू या एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू विल गिव द कंटिन्यूस प्रोसेस वेरिफिकेशन। नो, कंटिन्यूस प्रोसेस वेरिफिकेशन का मतलब क्या है कि आज जो बैच बना उसकी आज ही मॉनिटरिंग होनी चाहिए। वाइल इन APQR व्हाट वी आर डूइंग कि जो भी मैंने डाटा बैच बनाया है उसको मैं साल के एंड में रिव्यू करता हूँ। तो साल के एंड में तो मेरे पास उसका कोई बेनिफिट नहीं रहेगा, साल के एंड में तो सिर्फ मेरे पास एक पोस्टमार्टम टाइप का इन्वेस्टिगेशन रहेगा। बट अगर मैंने हाथ के हाथ ही उसको रिव्यू कर लिया तो इट विल गिव मी बेटर रिजल्ट्स, वो मुझे इम्प्रूवमेंट का स्कोप प्रोवाइड करा देंगे। इसी तरह एक चीज़ आती है रेजिस्टेंस टू चेंज। जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों को लगता है कि APQR विल डू द वर्क ऑफ द कंटिन्यूस प्रोसेस वेरिफिकेशन, तो अगर उन लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि नहीं, APQR इज नॉट द पार्ट ऑफ कंटिन्यूस प्रोसेस वेरिफिकेशन। APQR कैन बी ए पार्ट, बट कब, जब वो हाथ के हाथ होता रहे। बट हमारे साथ क्या चैलेंज होता है कि APQR हम लोग तो साल के एंड में बनाते हैं, जबकि कंटिन्यूस प्रोसेस वेरिफिकेशन आज बैच बना, आज ही उसका डाटा डालो, आज ही उसको इवेलुएट करो और आज ही उस पर एक्शन लो। तो अगर मैं हाथ के हाथ उसकी ट्रेंडिंग करता जाता हूँ, हाथ के हाथ उसको इवेलुएट करता जाता हूँ, देन इट विल डू द वर्क ऑफ कंटिन्यूस प्रोसेस वेरिफिकेशन। बट लोगों को ये समझाना पड़ेगा और लोगों में ये रेजिस्टेंस होता है क्योंकि दे आर परफॉर्मिंग दिस सेम टाइप ऑफ टास्क फ्रॉम लॉट ऑफ ईयर्स एंड दे आर हाईली एक्सपीरियंस्ड इन दैट, बट लोगों को चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा एक आता है डाटा जो हमने कलेक्ट किया है उसकी गैदरिंग और उसको एक जगह बाइंड अप करना, ये भी एक चैलेंज होता है क्योंकि यहाँ पे भी मेरे पास बहुत सारे डाटा होते हैं, क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर से रिलेटेड डाटा होते हैं एंड एनालिसिस से रिलेटेड डाटा होते हैं, क्वालिटी एट्रीब्यूट से रिलेटेड डाटा होते हैं, तो हर एक डाटा को मुझे गैदर करते हुए चलना है। तो मतलब डाटा की क्वांटिटी मेरे पास बहुत ज़्यादा होती है, उसको एक जगह मुझे मेंटेन करना है, उसको जो एक जगह मुझे स्टोर करना है, ये भी एक मेरे पास चैलेंज होता है। इसके लिए हमारे पास क्या है कि रिसोर्स होना चाहिए, रिसोर्स एलोकेशन होना चाहिए। मेरे पास एक कहीं एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर मैं डाटा को स्टोर कर सकूँ, जहाँ पे मैं ये डाटा को मेंटेन कर सकूँ। सो इन ब्रीफ
आई हैड गिवन द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द कंटिन्यूस प्रोसेस वेरिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स कंपोनेंट टूल्स बेनिफिट्स चैलेंजेज एंड व्हाट प्रैक्टिसेस शुड वी फॉलो फॉर द कंटिन्यूस प्रोसेस वेरिफिकेशन। तो एक रिकैप कर लेते हैं कि कंटिन्यूस प्रोसेस वेरिफिकेशन में मेरे पास 5 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले मुझे अपना प्रोसेस डिफाइन कर लेना चाहिए, फिर मुझे उस जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है उसे मॉनिटर करना चाहिए टू गैदर द डाटा टू कलेक्ट द डाटा। उस डाटा को मुझे एनालाइज करना है, उस एनालिसिस के बाद मुझे उसे इवेलुएट करना है, इवेलुएशन टू प्रूव या टू एस्टेब्लिश डेट माई प्रोसेस इज विद इन द वैलिडेशन स्टेट और नॉट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इवेलुएशन वी विल गो फॉर द इम्प्रूवमेंट्स। और ये मैं कैसे कर सकता हूँ? थ्रू स्टैटिस्टिकल टूल्स कर सकता हूँ, सॉफ्टवेयर्स के थ्रू कर सकता हूँ, डाटा एनालिटिकल टूल्स के थ्रू कर सकता हूँ एंड ऑटोमेशन के थ्रू कर सकता हूँ। इसका मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या आता है? रेगुलेटरी कंप्लायंस बढ़ जाती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव होता है, मेरे पास इम्प्रूवमेंट के स्कोप खुलते चले जाते हैं और मेरा जो है जो कस्टमर बेस है वो सेटिस्फाई होता है। सो इन दिस वीडियो आई हैव ट्राइड टू cover the complete concept of the continuous process verification. I hope it will help you and you will gain from it. And har baar hum log aapse bolte hain to support this channel. We are still in the phase of growing and we have to grow and we have to go a lot of miles before we stop our journey. And isme hame aap logon ka sahyog bhi chahiye. So राधे राधे।